जुब्बल और कोठाई की शान श्री नरेंद्र बरागटा जी आज हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव टैटोली पहुंच चुका है। हम सभी लोगों का बरागटा जी को आखिरी नमन और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी लोग अपने घरों से नम आंखों के साथ ये सब देख रहे हैं क्योंकि उनका जो गांव है वो हमारे गांव से बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पर दिखता है। तो यार ये सब कुछ देख के ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। क्या बोलूँ मैं अब, लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, यही बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि एकदम से जो बरागटा जी का ये बरागटा जी की जो डेथ है ना, ये कोटखाई और जुब्बल वालों के लिए बहुत बड़ा लॉस तो है ही, बट सब लोग शॉक्ड है इस न्यूज़ से क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। किसी को नहीं पता था कि वो बीमार है या फिर कुछ। अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले तो हमारे गांव में वो आए थे और इतना तगड़ा उन्होंने भाषण दिया था, इतने अच्छे तरीके से उन लोगों को संबोधित किया था। और मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने सुना था, मैंने उनका जो भाषण था वो अटेंड किया था। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता थे, अगर मैं आपको बोलूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर कोटखाई जुब्बल की एक तरह से पहचान थे वो, हम लोगों को बरागटा जी के उससे ही पहचानते थे। और बहुत सारे उन्होंने डेवलपमेंट के काम उन्होंने यहाँ पे किए थे। और यही है ना कि जाना एक दिन सबको है, बट आज बरागटा जी के जाने से पूरा जुब्बल कोटखाई है, मतलब सबकी आंखें नम है। आज सभी लोग काफ़ी आज परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो बस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज है 5 जून 2021। तो सबसे पहले तो आज एनवायरनमेंट डे है, सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ठीक है, मेरा बस ये संदेश है आप सबको कि अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। जी हाँ, सभी लोगों को हाँ पर्यावरण दिवस के दिन तो ज़रूर प्लांटेशन करनी चाहिए, अदरवाइज 364 दिन और भी बचते साल में, उनमें भी कभी कभी प्लांटेशन कर देनी चाहिए। तो इसके साथ दूसरी बात ये कि एक दुखद समाचार है हमारे यहाँ से कि हमारे जो कोटखाई के MLA थे श्री नरेंद्र बरागटा जी, उनका निधन हो गया है आज सुबह, है ना? आज सुबह तो काफ़ी चंडीगढ़ PGM में एडमिट थे वो, 2-3 दिनों से काफ़ी बीमार भी चल रहे थे और आज सुबह ये शॉकिंग न्यूज़ सबको मिली, कोटखाई जुब्बल सभी लोग काफ़ी परेशान है इस बात से। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचेतक के रूप में कार्यरत थे वो, और हिमाचल में आई थिंक 3 दिन का राजकीय शोक भी है ना, 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया अभी। तीसरी बात ये कि आज हम लोग वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, जो कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है सभी लोगों की, वो फाइनली आज हम लोगों की भी हो रही है। हम लोगों ने 1-2 स्लॉट में पिछले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो किया था, बट मैंने नहीं किया था, अंकित ने किया था, बट जब तक ये ऐप खोलते थे तब तक ही, मतलब ऐप खोलने से पहले ही ना वो स्लॉट्स फुल हो जाते थे, बिल्कुल आता था स्लॉट इज़ फुल। पता नहीं लोग इतना फास्ट कैसे हो जाते हैं, कितनी जल्दी कैसे हो जाती थी उन लोगों की रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों की हुई नहीं थी, बट जो आज है, आज एम्प्लॉयज़ लोग की सबकी हो रही है। यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हम लोगों को एक फॉर्म भरना है, तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ की जो वैक्सीनेशन है वो इजीली हो जा रही है एज फ्रंट लाइन वर्कर। तो हम लोग, मैं, अंकित और निकुंज है, निकुंज पीछे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। सर आप देख सकते हैं पेड़, एक इतना बड़ा सा पेड़ सामने दिखाई दे रहा है। किस चीज का पेड़ है ये? ये है चीज का, एक चीज का अंकित को पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा पेड़ है, बट देखिए इतना बड़ा पेड़ ना टूट गया। आजकल तूफान इतने यहाँ पे चल रहे हैं, मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखो बुरी तरह से टूटा हुआ है, मतलब पेड़ यार देखो आप, इतना बड़ा पेड़। थैंक गॉड ये ना सड़क की तरफ को नहीं टूटा, ये दूसरी तरफ को टूटा, अदरवाइज साथ में देखिए यहाँ पे सड़क भी है तो नुकसान भी हो सकता था। और आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, और ठंड ना जून के महीने में इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लग नहीं रहा कि जून का मंथ है। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर्म अटेस्ट करवा रही हूँ, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पहले फॉर्म अटेस्ट करवाना पड़ेगा हायर अथॉरिटी से। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। चलो ठीक है।
देखिए अंदर चले चुके हैं अब कैसे कुछ जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहला डोज आपको लग चुका है वैक्सीनेशन का? हाँ जी, पहला डोज लग गया है। और पता बिल्कुल भी डर नहीं, डर तो लग रहा था शुरू में कि पता नहीं जोर की लगेगी जोर का होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इंजेक्शन भी छोटा सा ही था आई थिंक, है ना अंकित? छोटा सा इंजेक्शन था, बिल्कुल इजी, पता ही नहीं चला मेरे को, लगा भी लगाया नहीं उन्होंने, अब लगाएंगे, बट तब तक बोला कि लग गया है तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। हाँ तो आप लोग भी, सभी लोग जाएं और अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, जब भी आप लोगों की बारी आती है, जब भी रजिस्ट्रेशन होती है आप लोगों की, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ज़रूर इसको लगाना है। सो गाइस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पे अभी हम लोग जाने वाले हैं पेड़ लगाने, और अंकित ने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है। देखिए अंकित की नई लुक। कोई बात नहीं, चलो ये देखिए पेड़। नीचे भी दिखाना नहीं चाहते, चल देखो 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 सब लोग देखो, पेड़ लगाइए जी, चलिए। तो अभी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, वैसे आप लोगों को तो पता ही है हम लोग वैसे भी लगाते रहते हैं पेड़, ये ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट डे है हम लोग तभी लगा रहे हैं, बट चलिए आज एनवायरनमेंट डे है तो आज तो हम लोगों का बनता ही ऑफिशियल डे, इसलिए चलो ठीक है हम भी अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। हाँ जी, तो चले अंकित कहाँ पे लगाएं? अदरवाइज जब भी आपको कभी भी मौका मिले, कभी भी फ्री जाए, घूमने घूमने जाए, तो ये चीजें लगाते रह करिए जहाँ आपको खाली जगह मिले ना। और लगाने ही नहीं है, बस उनकी केयर भी करनी है, पानी वगैरह देना है। हम लोग अपने बुढ़ापे को भी खुशहाल बनाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये होगा कि जो आपके न्यू जनरेशन होगी वो बाद में बात करेगी आपके बारे में। आज के टाइम में हम लोग देख ही रहे हैं कि नेचर कितना ज़्यादा गुस्से में, एक दो साल से तो आप लोगों को पता ही है कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं कोरोना वायरस के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये कि नेचर में हम लोगों को बैलेंस बना के रखना। इधर हम लोगों ने जो पेड़ लगाए हुए थे, ये देखो यहाँ पे छोटू सा पेड़ एक यहाँ पे है, ये भी चल पड़ा है, और ये देखिए एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, और एक देखिए ये यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आज प्लांटेशन मैं करने वाली हूँ, थोड़ी मेहनत मैं करने वाली हूँ, क्योंकि अंकित ने काफ़ी सारे पेड़ लगाए, मैंने हर बार शूट किया है, इस बार अंकित शूट करेंगे और मैं ये वाला पेड़ लगाऊंगी, और इसकी जो केयर करना है वो भी पूरी की पूरी मेरी ही जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल सही बात। ओहो, देखना ध्यान रखना बहुत थोड़ा। काफ़ी है, छोटी जड़ें हैं, इतनी बड़ी जड़ नहीं है ना। ओके ठीक, लगा दो। कोने में नहीं लगाना, अरे बीच में से लगाना है, फिर इसका गड्ढा बनता है ना पूरा। ठीक है ऐसे बीच में ना। अब इसको एयर टाइट करो। जड़ नीचे दबा दी थी ना पूरी ठीक से? हाँ, जड़ तो अच्छी से दबा। ये नहीं करना टेम्परेरी वाला काम है यार। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूंगी मैं? एक पेड़ ना एक बच्चे की तरह होता है। यहाँ से ऐसे पानी रख ले, पाँव से दबाऊं अब इसको? थोड़ा सा दबा लो। दब तो गया ही है वैसे, इतनी जोर तो मुझे लगता नहीं है, फिर भी ठीक है ना। पानी लाऊं अब इसको, है ना? तो अब इसमें मैं पानी डालूंगी, इतना दूर से नजदीक से डालूंगी, यहाँ से डाल दूँ इसको, है ना? डाल दो, बिल्कुल जड़ के साथ में डालूंगी। भगवान के नाम पे इसको आज लगाते हैं, और हो भी चल पड़े। चल पड़ेगा, क्योंकि अभी जून का महीना तो गर्मी काफी, तो पानी देते रहना पड़ेगा हमेशा। हाँ, तो इसमें पानी देते रहेंगे, पर गर्मी उतनी ज्यादा भी नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे को, मैंने इतना मोटा ओवर कोट पहना हुआ है। आज दिन को हल्की सी बारिश यहाँ पे हुई, तो ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी, मुझे लगा कि बुखार आए वैक्सीन लगा के, उससे बेटर है कि मैं अपने आप को गर्म रखूँ। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज उतना ज़्यादा मूड तो था नहीं वीडियो बनाने का, बट क्या करें, आज एनवायरनमेंट डे भी था और हम लोगों को वैक्सीनेशन भी आज होनी थी। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना जो एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। बाय बाय।